प्राप्त जानकारी के अनुसार कन्नौज के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जुआ संचालन होता है, जिसमें दूसरे शहरों से भी लोग जुआ खेलने आते हैं, जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सी दयाल सिंह को दी गई, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम ने पुलिस थाना कन्नौज अंतर्गत ग्राम रायपुर के जंगल में घेराबंदी कर ताश के पत्तों पर दाव लगा रहे आरोपी इशाक पिता महबूब, खाजू पिता मम्मू शाह, इकबाल पिता मुंशी, पपिन पिता प्रहलाद बानीबाल, यतेंद्र हमजू, जयंत गगरानी, संतोष निवासी विक्रमपुर, अफसर पिता आशिक, अकबर निवासी रायपुरा को रायपुर के जंगल में दबिश देकर पकड़ा, जो ताश पत्ती पर रुपयों के पैसे से हार जीत का दाव लगा रहे थे। आरोपियों के कब्जे से ताश पत्ती 14,885 रुपये नकद, 8 मोटरसाइकिल, 11 मोबाइल फोन सहित तकरीबन 3,00,000 रुपये की पुलिस ने जब्ती बताई। दबिश के दौरान मुख्य सरगना पप्पू सरदार निवासी कालापट्टा फरार हो गया, जिसकी पुलिस को तलाश जारी है। थाना कन्नौज टीआई की टीम ने रायपुरा के जंगल में जुआड़ियों को पकड़ा है, जिसमें 10 जुआड़ियों के कब्जे से करीब 15,000 रुपये नगद, उनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल और 11 मोबाइल फ़ोन, कुल 3,00,000 रुपये कीमती का हमने मसरूका जब्त किया है। इसका जो मेन सरगना है काला फाटा का रहने वाला पप्पू सरदार, वो फरार है, उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं और सभी को हमने सभी के खिलाफ प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके अरेस्ट कर लिया। सर क्या कारण रहे सर, पुलिस एसपी द्वारा यहाँ पर विशेष टीम के द्वारा सर एक दल गठित करके कार्रवाई की जा रही है? हाँ, इसमें इनका जो लोकेशन लिया जाता है और विशेष टीम जो विशेष जुवाड़ी है इस क्षेत्र के, उनके मोबाइल नंबर को हम उस सर्चिंग में रखते हैं और उस टीम के द्वारा जब इस तरह की सूचना मिलती है तो स्थानीय पुलिस की मदद से इन जुवाड़ियों को पकड़ा जाता है। धन्यवाद सर।